press the bell icon and never missing video from Sirat Punjab D. इस समय तुसी मेरे नाल जानी कि हरप सिंह कहला जुड़े हुए हो चैनल सीरत पंजाब दी। सीरत पंजाब दी दा एक नवेकला जड़ा उपराला इतिहास के पन्ने प्रोग्राम लैके असी तुहाडी कचहरी दे विच हाजिर हुए हैं। तो अज असी तुहानू एक इतिहास के पन्नियां दे विचों एक पन्ना फरोलिया है, जिस दे विच असी तुहानू गुरद्वारा टालियाणा साहिब रायकोट इस गुरु घर का जिहड़ा इतिहास है वो इतिहास तुसी मेरे पिछे जिहड़ा गंगा सागर का मॉडल देख रहे हो इस गंगा सागर के नाल जुड़िया होया इस गुरु घर का इतिहास है। अज इतिहास के पन्नियां दे विच तुहानू असी इस गुरु घर के इतिहास तो जाणू करवावांगे गुरद्वारा टालियाणा साहिब ते आओ जानदियां गुरद्वारा टालियाणा साहिब का इतिहास। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये जिहड़ा गुरद्वारा साहिब जे आप जी दी आप समुचियां संगतां दर्शन कर रहे हो यह गुरद्वारा टालियाणा साहिब रायकोट विखे सुशोभित है। इस अस्थान दे उत्ते धन धन सतगुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज ने 1905 ईस्वी नूं जदों आनंदपुर साहिब का किला छड्डिया ते मासीवाड़े दे जंगल दे विचों दी चमकौर साहिब तों हुंदे होए मासीवाड़े तों हुंदे होए अगले आउंदे आउंदे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज 1905 ईस्वी वाले दिन इस अस्थान दे उत्ते टाली साहिब दा एक रुख है उस अस्थान दे उत्ते आ के बराजे ने। जदों बराजदे ने उस तों बाद जिहड़ा है राय कल्ले दा जिहड़ा चरवाही नूरा माही आउंदा है मझियां चारन वास्ते। जदों ओ मझियां चारदा पिया है सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने नूरे माई नूं वचन कीता कि असी दुध सकना है। जदों उसने कहा कि मैं ये जिहड़ा दुध है ये तो मैं मझां चो के आया होया हाँ ये दुध किवें देणगियां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक अंसर झूंटी वल इशारा करके कहा कि इस मझ दे थले बैठ जा ये दुध देवेगी। जदों उन्हें ये बचन मन्निया तो कहिंदा सतगुरु जी मेरे कोल कोई भांडा नहीं जिहदे विच मैं इहदा दुध चो सकां। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने एक गंगा सागर दिता जिस दे विच 288 छेक सन। जदों 288 छेकां वाला गंगा सागर दिता नूरे माही ने सतगुरु जी का हुक्म मन के अंसर झोटी दे थले बैठ गया। जदों वह अंसर झोटी दे थले बैठदा है तो ये जिहड़ा अंसर झोटी है ये दुध देंदी है तो जिहड़े गंगा सागर दे विच नूरे माही ने दुध चोया ना उस गंगा सागर दे विच 288 छेक सन पर तां वी जिहड़ा दुध है वह थले नहीं डुल्लिया। इस तों बाद जदों हैरानी की गल ना रही नूरे माई ने यह खबर जा के अपने मालक राय कल्ले नूं दित्ती। जदों राय कल्ला सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के दर्शन करन वास्ते आया तो आ के दर्शन करके निहाल होया। जदों निहाल होया साहब के चरणों के कोल बैठ गया। जदों साहब के चरणों के कोल बैठा तो राय कल्ला हाथ जोड़ के बेनती करता है कि सतगुरु जी कोई सेवा दसो। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने यह वचन किया जे तू सेवा करनी है ना तो साहबजादियां दी खबर मंगवा जेडे कि 13 पोह वाले दिन शहीद किए गए सन। जदों राय कल्ले ने नूरे माही नूं भेजिया क्योंकि नूरे माही की भैन जिहड़ी सी ना वह उत्थे नूरां व्याही होई सी। जदों उन्हें जाके ये खबर सुनी कि किवें साहबजादियां नूं शहीद किया नूरा माही आउंदा है वो इस अस्थान दे उत्ते जिथे गुरद्वारा जड़पुट्टी साहब है उत्थे आ के ये सारी खबर सुनाउंदा है। होर भी संगतां आईयां ने सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तीर दी नोक दे नाल काई दे बूटे नूं खोदे पए ने। जदों खोदे पए ने उधरों एक कहानी जां कथा ये वार्ता समाप्त हुंदी है। जदों वार्ता समाप्त हुंदी है तो उत्थों काई दा बूटा जिहड़ा है वह पुट्टिया जांदा है। जदों काई दा बूटा पुट्टिया तो सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने कहा अज तो तुरक राज दी जड़ पुट्टी गई। जदों ये वचन किए तो राय कल्ले ने बेनती की कि सतगुरु जी मैं भी तुरक हाँ। जदों ये बेनती की तो साहब ने कहा तुसी साडी सेवा की है
ते फिर राय कल्ले नू एक तलवार एक रेहल ते एक गंगा सागर दी बख्शिश की। जदों ये बख्शिशा कीतियां नाल ही ये वचन किया कि जितना चिर तुसी इस दी सेवा करदे रहोगे तुहाडा राज भाग कायम रहेगा। अज असी दर्शन कर रहे हैं गुरद्वारा टालियाना साहब। इस दे मगर एक वो स्थान है जिथे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने काई दा बूटा पुटिया। नाल गुरद्वारा टालियाना साहब है जिस टाली दे रुख दे हेठां सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आके बराजे सन। एक मंजी साहब गुरद्वारा साहब है। इस स्थान दे उत्ते बड़ी वड्डी तादाद दे विच रोजाना जिहड़ियां सिख संगतां ने नतमस्तक होण वास्ते पुजदियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। Press the bell icon and never missing video from Sirat Punjab D.